तो हमको दो दिन पहले देवेंद्र शर्मा जी जिलाध्यक्ष उन्होंने बोला कि आप एक, हमने जैसा कि प्रस्ताव रखा है, एक महिला शिकायत केंद्र आप बना दीजिए वहाँ पर, महिला शिकायत केंद्र से, क्योंकि महिलाओं की समस्या कुछ अलग तरह की होती है, जो कि बंद कमरे में वो कंफर्टेबल तरीके से बता सकती हैं कि ये समस्या है, तो उसको लेकर आप हमें कॉर्नर दे दीजिए जो मैं अपने खर्चे पर उठा लूंगी, आप उस कॉर्नर को प्रॉपर हम महिलाओं का शिकायत केंद्र बनाएंगे। इस बात पर हाँ भी हो गया और जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो भी बैठा हुआ था वहां पर, उन सभी ने हाँ किया। देवेंद्र शर्मा जी ने ये बोला कि आप बहुत जल्दी इसको बनवाइए, पेमेंट होकर और सुबह जब मटेरियल बनकर आया से फिक्स होना था तो वहां पर पता चला कि बन नहीं सकता है, तो इस प्रकार से काम रुकवा दिया गया। मैंने आदरणीय कमलनाथ जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय मांडवी चौहान जी जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे राष्ट्रीय जो वरिष्ठ नेतृत्व है आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, मैंने सभी जगह ये बात भेजी है, मेल किया है। ऐसा है कांग्रेस कार्यालय में जो जितने भी कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं या वो हैं, वो सारे लोग आते हैं कांग्रेस कार्यालय में, पूरा कांग्रेस कार्यालय उनके लिए खुला हुआ है और विशेष रूप से किसी को भी कोई चैम्बर नहीं है सिवाय अध्यक्ष के। और जहाँ तक उनकी मांग की आप बात कर रहे हैं तो उनने कोई ऐसी मांग हमारे यहाँ नहीं रखी है, ना हमें लिखित में कोई उनने दिया है। तो महिलाएँ आती हैं, यूथ कांग्रेस के लोग भी आते हैं शिकायतें लेके, मैं सुनता हूँ, अध्यक्ष में बैठा हूँ, कौन सी विशेष गंभीर समस्या रहती है? अभी तक क्या कांग्रेस चल नहीं रही थी? क्या रुचि राय गुप्ता जी चला रही हैं अकेली कांग्रेस? आज कौन सी नई समस्याएं महिलाओं की आ गई हैं जिसकी वजह से वो नई बात कर रही हैं? पार्टी के ज़बरदस्ती संकट पैदा करना और अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए इस तरह की बातें करती हैं।